सबसे पहले रिजु दत्ता जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि जो आरोपी है वो एक टीएमसी नेता का बेटा है, इस वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 14 साल की उस मासूम बच्ची का चरित्र हनन करेंगी और उसको लेकर सवाल खड़े कर देंगी। आप लोगों को अंदाजा है कि मुख्यमंत्री की ओर से कितना गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील बयान दिया गया है रिजु दत्ता जी? 14 साल की बच्ची जो 9वीं क्लास में पढ़ती थी उसको लेकर इस तरह की टिप्पणी। चित्रा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें कही जा रही है कि टीएमसी का लीडर था इसलिए ममता बनर्जी ने ऐसे भाषण दिया, ये सरासर गलत है। पहले मैं तृणमूल के प्रवक्ता के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस पूरी घटना की कठोर तरह से निंदा करते हैं और ऐसे जघन्य अपराध को कभी क्षमा नहीं करते हम बंगाल में। अभी आपके जो व्यूअर्स हैं, लाखों करोड़ों व्यूअर्स है, मैं उनके लिए कुछ तथ्य देना चाहता हूं कि शायद वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे। ये घटना घटी थी 4 अप्रैल को, 5 अप्रैल को वो बच्ची की जान चली गई। उसके बाद उसके परिवार ने उस बच्ची का संस्कार किया, मतलब दाह संस्कार कर दिया, और 10 अप्रैल को वो गए पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने। तो लास्ट तक नहीं है पुलिस के पास, फिर भी उनकी जुबानी पे पुलिस ने FIR दायर किया और FIR में IPC 306 और एक परिवार की 14 साल की बच्ची मर चुकी है और आप लोग इस तरह का कुतर्क गढ़ रहे हैं रिजु दत्ता जी। जब एक मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही पूरे मामले पर सफाई दी जाएगी और आरोपी को बचाने की कोशिश की जाएगी तो आपसे भरोसा उठ जाएगा रिजु दत्ता जी। जितनी भी बातें आप लोगों की ओर से कही जाएंगी, एक परिवार की एक बच्ची की मौत हो चुकी है, उस परिवार का रेप का आरोप है और यहाँ पर कुतर्क गढ़ रहे हैं आप लोग। चित्रा जी, ये कोई वेब सीरीज नहीं चल रहा है, आपका एक बहुत माननीय चैनल है, बहुत लाखों वेब सीरीज चलाने के लिए बैठी भी नहीं हो रही दत्ता जी यहाँ पर। थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा। मुझे याद है ममता बनर्जी हाथरस भेज देती है अपनी पूरी की पूरी फौज को सांसदों की वहां पर जाके यूपी सरकार पर हमला कीजिए, और जब खुद उनके राज्य में इस तरह की स्थिति, मैं थी हाथरस में, और जब उनके राज्य में इस तरह की तस्वीर बनती है तो वो कहती है कि लव अफेयर का मामला है। अरे 14 साल की बच्ची की मौत भी हो चुकी है, कम से कम उसकी मौत के बाद तो संवेदनशील बयान की उम्मीद आप लोगों से की जानी चाहिए थी रिजु दत्ता जी। नहीं, अगर आप हमें बोलने नहीं देंगे, मैं तृणमूल की तरफ से हूँ, तो आप और बीजेपी के प्रवक्ता ही कर लेते शो। आप मेरा बात तो खत्म करने दे। अरे तो कुतर्क बोलेंगे तो थोड़ी ना आपकी बातों को। नहीं, कुतर्क कोई कुतर्क का बात नहीं है, कुतर्क का बात नहीं है। शायद आपको नहीं पता, आपके जो सुनने वाले वो समझ रहे चीज को, कि उसके बाद भी जो दोषी है वो तृणमूल हो, बीजेपी हो, बंगाल में हम रंग और पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखते हैं। उन लोगों को फैमिली की जुबानी पे उनके ऊपर IPC 376 जो गैंगरेप और 302 मर्डर के चार्जेस लगा। ममता बनर्जी का जो बयान है, मैं एज इट इज अपने दर्शकों को जरा 4 लाइन में बता देती हूँ। उनका ये कहना है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि नाबालिग लड़की की रेप की वजह से मौत हुई। मुझे बताया गया है कि लड़की का लड़के संग अफेयर था। सारा जोर इस बात पर है कि अफेयर था, सारा जोर। तो मौत कैसे हुई, मौत कैसे हो गई? लव अफेयर था, मौत कैसे हो गई बताइए आप? आपने तो जांच कर ली ना खुद की जुबान से। नहीं नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, शायद आप लोगों को नहीं पता या जो सुनने वाले उनको नहीं पता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल की होम मिनिस्टर भी है, स्वराष्ट्र मंत्री या गृह मंत्री भी है बंगाल की। वो उनका डायरेक्ट खबर उनके पास आता है DG पुलिस के तौर पे, और ये वहां का रिपोर्ट है कि उन दोनों में एक रिश्ता था। अभी जहां पर परिवार ने सब को जला दिया है, जिसका फॉरेंसिक एविडेंस नहीं, फिर भी हमने अरेस्ट किया। तृणमूल हो, कोई हो, झूठ बोल रहे हैं हमें नहीं, आप क्या परिवार के लोग झूठ बोल रहे हैं? जिसकी 14 साल की बच्ची की जान जा चुकी है, क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? तो जब लव अफेयर था तो अरेस्ट क्यों किया? अपनी ही बातों में उलझ रहे हैं आप लोग। नहीं, उनके जुबान पे, उनके परिवार की जुबान को हम मानते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, तभी तो अरेस्ट किया। वो तृणमूल का कौन है हमें कोई मतलब नहीं है। जो इस जघन्य अपराध से जुड़े हुए हैं वो सब अभी जेल की सलाखों के पीछे, और कोर्ट अभी बयान देने के पहले जरा सोचना चाहिए उस परिवार के बारे में भी, जहां पर मातम पसरा हुआ है, कोई मड़ोड़, जहां पर मातम पसरा हुआ है, जहां पर 14 साल की 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, अगर मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे तो इस बात को कैसे ना स्वीकार किया जाए कि वहां पर अपराधियों के मनोबल और ज्यादा बढ़ेंगे? सुजाता पांडे, इस बारे में मैं आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगी, बीजेपी के नेता जैसे जुड़ते उनके पास में जाऊंगी। सुजाता पांडे जी, ममता बनर्जी का यह बयान क्या समझ में आता है आपको?
देखिए चित्रा जी, एक औरत होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते और साथ ही साथ इस राज्य की गृह मंत्री होने के नाते, ये बयान की जितनी जितनी भर्त्सना, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। यहाँ रिजु दत्ता आपसे जिम्मेदार होने की बातें कर रहे थे, ये बयान जिम्मेदारी है पहले, और ये अभी कह रहे हैं कि उस लड़की का प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग था तो क्या 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 उसको मार दिया जाएगा? क्या प्रेम प्रसंग था तो उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी मना किया जाएगा? क्या प्रेम प्रसंग था तो आप ये कह रहे हैं कि 5 दिनों बाद क्यों घटना की सूचना दी गई? अरे आपको पता नहीं है 99% जो घटनाएं होती हैं उसकी उसकी तो FIR तक नहीं होती, और वो क्यों नहीं होती? आप जैसे और आपके आपकी जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं जैसे लोगों के लिए नहीं होती, जब वो कहती हैं कि ये तो रेप नहीं है, ये तो प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग था या फिर वो गर्भवती हो गई थी या किसी ने चाटा मार दिया तो मर गई थी? ये मजाक चल रहा है क्या? ऐसे ही बंगाल में 22% जो है महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो जो क्राइम रेट बढ़ गया है, ऐसे ही NCRB की डेटा जो है आपके सारा काला चिट्ठा खोल रही है। ऐसे ही जो है आप पार्क स्ट्रीट में भी ममता बनर्जी का वो वक्तव्य याद कीजिए चित्रा जी, जब उन्होंने क्या कहा था कि ये पूरा सज्जित कार्यक्रम है। उन्होंने ये कहा था कि उनके जो एक नेता थे उन्होंने ये भी कहा था सुजेट जॉर्डन को कि वो एक सेक्स वर्कर है। और बाद में क्या हुआ चित्रा जी? वो पूरा का पूरा केस सच साबित हुआ और वो सारे के सारे जेल में सड़े। लेकिन मुख्यमंत्री और ये मैं 2012 का आपको एक बयान बयान याद दिला दूं ममता बनर्जी का, ये कोई रेप के लिए उनके उनके जो हृदय में जो जो निर्ममता है ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा था? रेप इसलिए महिला मुख्यमंत्री से इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ घूमते हैं।